लास्ट टाइम हमने कितने रिएक्शन किए थे? 1, 2, 3 कितने किए थे? 4 किए थे। चलो आज फिर से वही करते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड एंड हाफ सेल रिएक्शन मेथड, ठीक है। और उसमें देखो वैनेडियम वाला मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, जरा चेक करो। बी वाला H2 और यहाँ पे मीडियम दिया हुआ है, कौन सा? बेसिक मीडियम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इसका 0 होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2। इसका +1 ले लेंगे और इसको फाइंड करेंगे। 17 to the 34, ठीक है। -34 +4 -30 कितना हो गया? -34 +4 -30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो +5 एंड H2 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन वाले? कोई डाउट? चलो सेकंड स्टेप आप जानते हो क्या करना है। बैलेंस द एटम को लिखना है, बोले देंगे बैलेंस द एटम। V plus H2O gives H4V6O17 plus H2। तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे रब ने बना दी जोड़ी। किसकी जोड़ी बनाई वो देखते हैं। तो यहाँ पे वैनेडियम से वैनेडियम की जोड़ी बनी और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन की जोड़ी बनी। तो इन दोनों को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे वैनेडियम V और यहाँ पे V6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इसके ऑक्सीडेशन नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 30। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। नाउ H2, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपने माना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सी व्हाट वी हैव टू डू हियर, एक्चुअली हम यहाँ पे एक एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, एक एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, ठीक है। पर एक एक एटम के लिखेंगे तो होगा क्या? फाइनली व्हेन वी आर बैलेंसिंग द एटम, यानी हम इस टाइम में क्या करते हैं, जितने एटम उतने ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। तो यहाँ पे टू एटम्स और यहाँ पे भी टू एटम, अरे चेंज नहीं हो रहा है, H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, पर लिखे अबे कितने एटम के लिखने पड़ेंगे? 2 एटम के लिखने पड़ेंगे। तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 * 2 इज इक्वल टू 0 और यहां पे क्या आ जाएगा? 2। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? 2 एटम है, भले आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई नहीं किया, बट दो दो एटम के हमने क्या किए हैं? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 0। चलो नाउ थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? OHR एंड RHR को डिवाइड करेंगे। OHR एंड RHR को डिवाइड करेंगे। तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, OHR एंड RHR को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब OHR एंड RHR को कैसे डिवाइड करेंगे? इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, 6-3 gives H4V6O17 और यहाँ पे क्या आएगा? H2O gives H2, ठीक है। 6V plus H4V6O17 H2O gives H2। अब यहाँ पे देखो सिर्फ हम रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजेस हो, 30, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने है? 0। यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है? 30 का। यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है? कोई शक, कोई डाउट, कोई दुख, कोई दर्द? चलो नाउ फोर्थ स्टेप। हाँ भाई ऑनलाइन वाला कोई डाउट? नो सर। बंद है। अगर हो तो कमेंट पे लिख।
six will give H4 missing from 17, H2 gives H2. अब हम क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में ऐड इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको याद करना, ऑक्सीजन अगर होगा तो राइट साइड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, अगर रिडक्शन होगा तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 6 3 gives H4 V6 O 17 and 30 electrons। यहाँ पे H2O plus 2 electron gives what H2, ठीक है। अब यहीं पे मैं कर देता हूँ फिफ्थ स्टेप। कौन सा फिफ्थ स्टेप? सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले चार्ज, सबसे पहले चार्ज। अब चार्ज में देखो क्या है, यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे लिख लेते हैं जीरो, ठीक है। यहाँ पे जीरो चार्ज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कितना चार्ज है? माइनस 30। विच मीडियम? बेसिक मीडियम में क्या है, H2 एंड OH माइनस। तो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे क्या है, जीरो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 30 OH माइनस हमें ऐड करना, सॉरी 30 OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 30 OH माइनस। अब हाइड्रोजन कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखो लेफ्ट साइड पे कोई हाइड्रोजन है नहीं और यहाँ पे 30 हाइड्रोजन है। राइट साइड देखो चार हाइड्रोजन है ऑलरेडी, कितने हाइड्रोजन है? चार हाइड्रोजन है। तो कितने ऐड करने की जरूरत है यहाँ पे? 26 मिसिंग है, 30 है ना, यहाँ पे 30 होने चाहिए। तो सर 30 है, तो 26 मिसिंग है, 26 मिसिंग है, तो जितनी जरूरत कितने की है? 26 तो आधे, उससे आधे डालेंगे यानी कितना आएगा 30 में से, जरूरत और उससे आधे पानी यूज कर मैं बातें नहीं लाऊं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 30 ऑक्सीजन हो गए। राइट साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 70 प्लस 30 ऑक्सीजन, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, आपको बुक्स की प्राप्ति हो गई। चलो नाउ चार्ज, सबसे पहले चार्ज देखो यहाँ पे माइनस टू और यहाँ पे जीरो, चार्ज और यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू ओ एच माइनस, टू ओ एच माइनस। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? नहीं, टू एंड टू फोर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो मिसिंग है, तो एक H2 डालना पड़ेगा। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन, यहाँ पे टू ऑक्सीजन परफेक्ट जा रहा, यानी यहाँ तक आपको कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका फाइनल आंसर, फिफ्थ स्टेप का फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देखो क्या आएगा, 6V plus 30 OH minus plus 30 gives H4V6O17 plus 30 electrons plus 13 H2O। ये फाइनल आंसर किसका? फिफ्थ स्टेप का। और यहाँ पे OH आ रहा है, H2O plus 2 electrons plus plus H2O, again H2O, एक और H2O आ गया, ठीक है। और राइट साइड क्या है? H2 plus 2OH minus, ठीक है, हाँ, 2OH minus आ गया, H2 plus 2OH minus, H2 और एक ही H2 आ गया। Now sixth step में क्या है? Add what? Balance the electrons। अब यहाँ पे 30 electrons है, यहाँ पे 2 electrons है, तो इसको 50 से multiply करके दोनों को add कर दें। तो देखो क्या हुआ, 6V plus 30 OH minus, that is H4V6O17 plus 30 electrons plus 30 H2O, यहाँ पे क्या होगा, 15 H2O plus 15 plus 30 electrons plus 15 H2O gives 15 H2 plus 2OH minus 30OH minus। अब यह 30 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो अनकॉमन उसको पहले लिख लेते हैं। अनकॉमन क्या है, 6V plus 15 H2O plus, उसको बाद में देखते हैं,
यहाँ पे अनकॉमन क्या है एच फोर बी सिक्स ओ सेवनटीन प्लस फिफ्टीन एच टू। अब देखो यहाँ पे थर्टी यहाँ पे भी थर्टी ओ एच माइनस है थर्टी ओ एच माइनस तो ये थर्टी ओ एच माइनस और ये थर्टी ओ एच माइनस कट हो गया। अब फिफ्टीन एच टू और थर्टीन एच टू तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा टू एच टू होगा। इन दोनों को मिला देते हैं सिक्सटीन प्लस सेवनटीन एच टू ओ फिर एच फोर बी सिक्स ओ सेवनटीन प्लस फिफ्टीन एच टू ठीक है। अब लास्ट में अगर आपको चेक करना हो तो हम ये भी चेक कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस हुआ कितना हुआ सिक्स थ्री प्लस सिक्स थ्री सेवनटीन टू द थर्टी फोर हाइड्रोजन फिफ्टीन टू द थर्टी थर्टी प्लस फोर थर्टी फोर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेवनटीन सेवनटीन ऑक्सीजन ऑलरेडी एवरीथिंग इज बैलेंस तो लिख लो फटाफट। नाउ सी नया रिएक्शन करते हैं FeS प्लस H2O2 गिव्स FeO प्लस SO2 प्लस H2O तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है सबके ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करेंगे। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आपको FeS और FeS2 FeS और FeS2 ये आयरन पर सल्फाइड होता है उसके अंदर माइनस वन लेते हैं आयरन सल्फाइड है तो माइनस टू लेंगे ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टू लेंगे जिसका कितना आएगा प्लस टू यहाँ पे कितना आएगा माइनस टू ठीक है ठीक है क्या ठीक है। ये H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड रूल्स भूल गए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसका क्या लेंगे माइनस वन लेंगे पेरोक्साइड रूल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन लेते हैं रूल्स लिखवाया था मैंने और यहाँ पे क्या होगा प्लस वन बैलेंस सबसे पहले लिख लेते हैं FeO plus SO2 plus H2O अब हमें जोड़िया बनानी और अपने बना दी जोड़ ठीक है। FeS plus H2O किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है देखो Fe में से Fe में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है। सल्फर में से सल्फर में चेंज हो रहा है यहाँ पे सल्फर में से सल्फर में चेंज हो रहा है यस हो रहा है और फिर प्लस वन में से प्लस वन में हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे माइनस यहाँ पे एक सल्फर है यहाँ पे भी एक सल्फर है कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको ऐसे भी लिखते थे माइनस टू से प्लस फोर टू यहाँ पे दो ऑक्सीजन है यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा माइनस फोर और इसका क्या आएगा माइनस टू और किसी में चेंज नहीं हो रहा। चलो नाउ थर्ड स्टेप क्या है हम डिवाइड करेंगे इसमें ओ एच आर और आर एच आर में डिवाइड करेंगे ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है एफ ई एस में ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर में तो यहाँ पे लिख देंगे FeS gives SO2। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सल्फर में से ऑक्सीडेशन हो रहा है पर सल्फर Fe के साथ अटैच है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे FeO भी लिखना पड़ेगा समझ में आएगा। चलो नाउ नेक्स्ट H2O2 gives what twice H2O सबसे पहले हम लिख लेते हैं कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे माइनस टू का चेंज हो रहा है और यहाँ पे माइनस टू से प्लस फोर का तो यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है सिक्स का चेंज हो रहा है यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है टू का चेंज हो रहा है ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट स्टेप कौन सा है एड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में हम कहाँ पे ऐड करेंगे राइट साइड और रिडक्शन में FeS gives FeO plus SO2 plus
6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे H2O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives twice H2O. फिफ्थ स्टेप, क्या-क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे और आपके इस जन्म के पर ज्यादा नहीं होंगे तो बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो फिर गए काम. चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखो चार्ज बैलेंस करते हैं. चार चार्ज यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है, जीरो. यहाँ पे कितना है, माइनस सिक्स. और मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम है तो हम यहाँ पे माइनस एच प्लस. अब हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, समझ में आना है. कितना, सिक्स हाइड्रोजन. तो जरूरत कितने की है, छह पानी की जरूरत है. पानी बचा जल बचते जल की जीवन, उसका बाहर निकालो तो चलो. तो यहाँ पे सिक्स हाइड्रोजन यानी लेफ्ट साइड हम छह पानी की जरूरत है, तो कितना, उससे आधा पानी डालेंगे तभी तो पानी बचेगा. ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, आपके कार्बो के फल का हिसाब क्या है इस जन्म का. यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, तीन ऑक्सीजन. यहाँ पे एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और कहीं ऑक्सीजन है नहीं, ये तो हो गया काम. आधा मोक्स मिल गया आपको, आधा इधर मिल जाएगा. राइट चार्ज, चार कितना यहाँ पे, माइनस टू और यहाँ पे क्या है, जीरो. तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, टू एच प्लस. यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, टू एच प्लस. ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो और दो चार हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी टू टू फोर हाइड्रोजन हो गए. कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी. अगर ये दोनों राइट थी ऑटोमेटिकली राइट होना चाहिए. दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, तो काम हो गया. ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया. अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, तो अपने को समझ में आएगा कि क्या ऐड करना है क्या नहीं. FeS plus 3H2O gives FeO plus SO2 plus 6 electrons plus 6H plus. ये OHR हो गया. अब RHR में लिख देते हैं H2O2 plus 2 electrons plus 2H plus gives 2H2O और कुछ एंड नहीं हो रहा है. अब लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन कौन सा है, लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन कौन सा है भाई, कौन सा है, एलिमिनेशन. ठीक है, बैलेंस कर रहे इलेक्ट्रॉन को, तो इसको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे छह और यहाँ पे दो है, इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे. Fe plus 3H2O gives FeO plus SO2 plus 6 electron plus 6H प्लस, इसको तीन से कर देते हैं, 3H2O2 plus 6 electron plus 6H plus gives 6H2O. ओके भाई, समझ में आ रहा है. आप देखो क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन का Fe plus 3H2O2, Fe plus 3H2O2. अब यहाँ पे जो अनकॉमन है वो लिख लेते हैं FeO plus 6H2O. चलो 6H2O को बांध दे, और कुछ बचा, हाँ SO2 बचा, SO2 लिख लेते हैं. अब H plus का हिसाब करते हैं, यहाँ पे 6H plus है, 6H plus कट कर दो. अब पानी लिख लेते हैं, यहाँ पे 3H2, 6H2, यहाँ पे 3H2O. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3H2O कर देंगे. अब चेक कर लेते हैं एक बार, अगर डाउट हो, Fe एक है, Fe एक है, चलो गया आराम से. 3 to the 6 hydrogen हो गया. 3 to the 6 oxygen, 1 plus 2, 3 plus 3 oxygen, correct. ठीक है, तो ये लिख लो, ये लिख लो. और इसके बाद में आपको एक रेडॉक्स देने वाला हूँ, पहले आप ट्राई करो फिर मैं आपको कराऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ब्ला 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 ब्ला, और बेल नोटिफिकेशन को दबा, नीचे जरा देखो बटन दबा दो जल्दी से बना.